Assalamualaikum everyone, this is Subhar Ahmed Khan. Welcome to my channel. Welcome to another video. और आज YBR125G 2019 मॉडल की रिस्टोरेशन का दूसरा पार्ट है ये. और पहले पार्ट में आपने देखा था कितना काम हुआ उसमें. कुछ काम मैंने खुद किया, कुछ काम करवाने वाला है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इंशाल्लाह हो जाएगा. मेरा ख्याल है ये पार्ट लास्ट होगा, इसके बाद लास्ट होगा. तीन पार्ट्स में इसको हम प्रॉपरली रिस्टोर कर देंगे. और अभी तक इसका काम जो हुआ है उसमें सबसे पहले इसको वॉश किया, सीट काउल लगाया, इसका ओरिजिनल साइलेंसर लगाया ठीक है बैंड के साथ, और एक पार्ट रिकॉर्डिंग किया था, वो मैं आपको क्लिप दिखाया था जिसमें लिवर्स इसके टूटे हुए थे तो नए लिवर्स लगवाए थे इसके, और इसके जो है वो आइसोलेशन केबल डाली थी ठीक है. तो ये चीज़ें हो गई थी, उसके बाद बाइक जो है ना काफ़ी हद तक चलने के काबिल हो गया था. अभी जो इसके काम रहते हैं उनमें सबसे पहले आता है इसकी जो स्विच असम्बली है वो ठीक करवानी, क्योंकि बाइक लॉक नहीं होता, बाइक लॉक नहीं होता तो फिर बहुत रोल है, तो वो चेंज करवानी है लॉक असेंबली पूरी. उसके बाद इसके टैंक पे बहुत गहरे स्क्रैचेस हैं. अब देखते हैं, अगर पिंडी से वो काम होता हुआ तो करवा लेंगे, वरना हुबैब भाई से टाइम लिया हुआ मैंने मंडे का, तो तब करवा लेंगे, वरना देखते हैं अगर जल्दी होता तो जल्दी करवा लेंगे. उसके अलावा इसका फ्रंट मड गार्ड चेंज होने वाले, और एक इसकी जो चोक है ना उसका बटन नहीं लगा हुआ, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन है. तो जनाब चेक करें, सीट चेक करें, और इसका काउल चेक करें, और इंडिकेटर चेक करें. तो इंडिकेटर ठीक है, इसको बस गंदा हुआ है, इसको साफ़ करना किसी तरह. अच्छा, उसमें एक और चीज़ आती है, सीट कवर भी चेंज करना है. उसके अलावा ये पॉलिशिंग वॉलिशिंग होंगी तो ऐसे चमकेगा जैसे पता नहीं अभी शोरूम से निकाल के लाए हैं. और इसके इग्निशन स्विच देख रहे हैं, ये टैंक वाला लॉक देख रहे हैं, ये सारे लॉक ख़राब हैं, ये सेट करवाने हैं. मड गार्ड चेंज होने वाला है. हाँ, इसके अलावा चौक का बाजार था, देख रहे हैं इस चौक का बटन नहीं लगा हुआ, तो ये बटन देखना है कि अगर अवेलेबल हुआ तो वहाँ से ले लेंगे. और इसके अलावा बाकी चेन कवर थोड़ा सा हिला हुआ, ये सेट करवाना है. बाकी बिल्कुल फिट है बाइक, नया चमकता धमकता. तो अभी जाते हैं ये काम करवाते हैं. सबसे पहला जो और सबसे मेजर जो काम है वो मीटर का है. मीटर की तार नहीं लगी हुई, मीटर की तार लगाते हैं जाके, होप्स वो इजीली रिपेयर हो जाए. अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं वारिस खान, और स्पीड मीटर का काम था. इसकी जो अंदर वाली बताइए नॉब है या वायर है ना, वो टूटी हुई है, मतलब बिल्कुल अंदर से ही टूटा हुआ है, और इधर से वायर भी नहीं लगी हुई. तो अभी इनसे पता करते हैं कि फ़िक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ये शॉप है जी यहाँ पे स्पीडोमीटर वाली, नीचे गली जा रही है, लेट्स सी. ये जी कॉर्नर वाली शॉप है, नीचे की तरफ गली आ रही है बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के साथ. तो लेट्स सी, अगर हमारा काम होता है तो फिर जो है इजी सीन हो जाएगा. अच्छा जी, कह रहे हैं कि सिर्फ चूड़ी डाल देते हैं तो 1500 में हो जाएगा. अब केबल लानी है जो मीटर वाली है, वो सामने यामा स्टोर से लेते हैं. और जो दूसरे कह रहे हैं पूरी ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, लेकिन वो 2600 रुपये का काम है, उसका फ़ायदा नहीं है, मीटर ही चलाना है हमने. तो देखते हैं क्या सिचुएशन है. अब रोड क्रॉस करनी है, ये वाली रोड क्रॉस करना बड़ा साहब है, बल्कि मेट्रो है ना ऊपर से जाते हैं. घूम फिर के फिर वापस वारिस खान भी आना पड़ता है, यहाँ पे बहुत काम है इनका. और यहाँ पे यामा की डीलरशिप भी है, वो जो सर्विस सेंटर है, तो उनसे पता करते हैं केबल. अच्छा जी, ये वसीम मोटर्स का है, कमेटी शॉप पे यहाँ से मिल गई हमें केबल, और ये YBR की है ठीक है. YBZ की अलग होती है, ये YBR की है 350 रुपये की. सो लेट्स गो, अब काम पूरा करते हैं. अच्छा जी, मीटर लग चुका है, वायर लगने वाली रह गई. वायर लग गई तो फिर पता चलेगा कि कितना पानी में है ये, और अल्लाह करे चले. और इसकी जो रनिंग है वो मैंने ज़्यादा करवा दी है, क्योंकि ना जब से मीटर रुका होगा उसके बाद एटलीस्ट 3-4 हज़ार तो चले ही होगा, तो मैंने जो है थोड़ी ज़्यादा करवा दी है, क्योंकि फिर मुनासिब नहीं लगता ऐसे, मतलब बेईमानी वाली बात होगी ना. अच्छा जी, मीटर का काम हमारा सेट हुआ है, लेकिन ना प्रॉपरली सेट नहीं हुआ, सिर्फ स्पीडोमीटर सेट किया उन्होंने ठीक है. रेस चल रही है, किलोमीटर चल रहे हैं,
आरपीएम और इंजन वाला जो सॉरी फ्यूल के जो है ना वो नहीं चल रहा। तो खैर अभी हम आए हैं ये इसका काम कराने सीट का, और यहाँ से लेते हैं 600 रुपये का कवर होता है। ये जब तक काम होता है मैं पूछ लेता हूँ कि इसका आरपीएम मीटर सेट हो सकता है, पीछे वसीम ऑटो भी है उनसे पूछ लेता हूँ। हेलो बॉयज़, सो वी आर बैक और माशाल्लाह से जी चेक करें, ये मैं आपको बिफ़ोर और आफ्टर मैच करके दिखाता हूँ। आपको याद होगा ये बाइक किस हालत में आया था, और जस्ट ये और ये चेंज हुआ, बाइक नया हो गया, क्या बात है माशाल्लाह। एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है और बस मीटर भी सेट हो गया है, ठीक है। आरपीएम वाला उसका करना है, ये टैंक वाला जो है ना इसका कुछ करना है, टैंक बहुत ही ख़राब है, उसको जो है ना पेंट ही करना पड़ेगा शायद दोबारा से, ना शायद पेंट होगा। और उसके अलावा और तो कुछ नहीं, हाँ ये लॉक असेंबली रह गई है, इसके अलावा बाइक कंप्लीट है, ठीक है। मड गार्ड फ्रंट चेंज कर लेंगे, लेकिन ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना आपको, क्या बात है यार, क्या बात है। बाकी परफॉर्मेंस का देखते हैं, ट्यूनिंग की जरूरत हुई तो करवा लेंगे, वरना लुकिंग वेरी नाइस। सीट कवर बड़ा अच्छा लग रहा है, लश पश अब हो गया ये तकरीबन 3 लाख का। अच्छा जी, एक चीज़ मैं वीडियो इसकी नहीं बना रहा था, बट मैंने कहा आप लोगों को अपडेट कर दूं कि मैं जो है ना खुद ही लगाऊँ, ये पड़ी है जी कंपाउंड पॉलिश, और इसको मैंने फुल क्रीमो क्रीमी किया हुआ है। अभी एक दफ़ा लगा चुका हूँ, दूसरी दफ़ा लगा रहा हूँ, क्योंकि ना स्क्रैचेस बिल्कुल डीप हैं, इसका लेकर ख़त्म हो चुका है, और अब इसको फिक्स करना ना बहुत मुश्किल है। तो मैं कोशिश करूँगा जितना मैं रगड़ सकता हूँ ना रगड़ूँ, और उसके बाद आपको ना बिफ़ोर वाली वीडियो भी दिखाऊँगा, आफ्टर वाली भी दिखाऊँगा कि कितना सा डिफरेंस आया। इतना नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, हो सकता है पेंट करना पड़े, बट मैं अपनी ट्राई दे रहा हूँ कि यार कंपाउंड पॉलिश से कितना एक फ़र्क आ सकता है। सो अभी ट्राई करते हैं, अभी मैं हल्का हल्का दूसरा रगड़ के ना इसको सही तेज़ तेज़ और ज़ोर से रगड़ूंगा, ताकि ना मज़ा आ जाए, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, आफ्टर अच्छी खासी रगड़ाई, ठीक है, अभी जो रिज़ल्ट सामने आया ना वो ये है, ये जो जगह है ना ये इसके बहुत डीप स्क्रैचेज़ हैं, ये पता नहीं क्या करते रहे हैं, लेकिन ना अखीर किस्म के स्क्रैचेज़ हैं। तो फिलहाल लुकिंग मच मच बेटर देन लास्ट टाइम, ठीक है। और इसको ना थोड़ी डिटेलिंग की जरूरत, डिटेलिंग की नहीं, इसको शायद ना कलर करेक्शन की ज़रूरत है। ये जो स्क्रैचेज़ हैं ना ये फील होते हैं हाथ पे, तो ये बहुत डीप स्क्रैचेज़ हैं, तो इनके लिए ना प्रॉपर जिसे कहते हैं ना सफाई की ज़रूरत है, इसको शायद पेंट करना पड़ेगा कुछ इस तरह। लेकिन अब जो है ना लुक बिल्कुल चेंज हो गई है, ठीक है, बहुत डिफरेंट लग रहा है पहले की नस्बत। तो इंशाल्लाह एक दो काम और हैं इसके, पॉलिश होगी, वॉश होगा, ठीक है, फिर जो है ना बाइक आप देखें, और बैक से तो ऑलरेडी नया नया हो चुका है। सो करते हैं इसका भी कुछ। अच्छा जी, वन मोर थिंग, ये इंडिकेटर रह गया था, ठीक है, ये भी मैंने परचेज किया है दुआटो से, और
ये जो है ना बिल्कुल नया लश पश, 14 मई 2022। देख लें इनके पास सामान कब का पड़ा होता है और ये नए रेट पे बेच रहे हैं। लुक एट दिस यार, ये वैसे ऑड नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा, तो गलत हो गया। चलो हमें क्या, तो ये लगा के मैं चाह रहा हूँ खुद ही लगा लूँ यार, इतनी क्या फिल्म है इसमें। Damn, it's gonna be a long night. Yeah.